आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड में। जैसा कि आप सब जानते हैं, फ्लैशबैक बॉलीवुड में हम आपके किसी पसंदीदा सितारे से जुड़ा, सालों पहले रिलीज हुई किसी फिल्म से जुड़ा, किसी रियलिटी शो से जुड़ा या फिर किसी अवार्ड फंक्शन से जुड़ा किस्सा लेकर आते हैं। वो किस्सा, वो कहानी जिसे हुए तो साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी लोगों के जहन में वो ताजा है। फ्लैशबैक बॉलीवुड में आज हम आपसे बात करने वाले हैं सदाबहार अभिनेत्री रेखा के एक इंटरव्यू पे। रेखा के इंटरव्यू पर आपसे चर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी बता देते हैं। 80-90 के समय में बीबीसी द्वारा रेखा का एक इंटरव्यू लिया गया था। इस इंटरव्यू को मशहूर कोरियोग्राफर ने हाल ही में अपने इंस्टा अकाउंट पर एक बार फिर से शेयर किया है और इस इंटरव्यू में सदाबहार अभिनेत्री रेखा की आंखें नम हो रही हैं। बीबीसी द्वारा 80 के दशक में लिए गए इस इंटरव्यू में रेखा से महानायक अमिताभ बच्चन पर सवाल किया गया। आंखों में नमी लेकर भावनाओं के साथ सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने अपना हाले दिल बयां किया। सालों पहले रेखा को जब बिग बी पर पूछे गए सवाल सुनकर बिग बी की याद आ गई, समा किस तरह का बंध गया जब रेखा ने अपने जज्बातों को गाना गाकर बयां करने की कोशिश की तो इंटरव्यू लेने वाले शख्स के होश उड़ गए। ये तमाम जानकारियां जो 1985 के समय की है जब सदाबहार अभिनेत्री रेखा का इंटरव्यू लिया गया, वो किस्सा, वो दौर और रेखा के जज्बात किस तरह से आंसुओं के जरिए निकलकर सामने आए, ये जानकारी हम आपको देंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा 65 साल की हो चुकी है लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी रेखा की खूबसूरती, उनके चेहरे का नूर उसी तरह से बरकरार है। जब जब जिक्र सदाबहार अभिनेत्री रेखा का होता है, उनकी खूबसूरत मुस्कान के साथ साथ एक सवाल लोगों के जहन में दस्तक दे जाता है। सवाल, महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनका रिश्ता। सवाल, महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर रेखा की सदाबहार मोहब्बत। और इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं उस वीडियो के बारे में जिसमें सदाबहार अभिनेत्री रेखा बिग बी की याद में भावुक होती हुई नजर आई है। आप इस रिपोर्ट में सबसे पहले देख रहे होंगे कि किस तरह से इस वीडियो को शेयर किया गया है एक बार फिर से बीबीसी द्वारा। बता दें आपको, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है उससे ये बात साफ हो जाती है कि लोगों के जहन में आज भी रेखा और बिग बी को लेकर खूब सारे सवाल हैं। अब जरा वीडियो पर आते हैं। ये वीडियो 1986 का है। साल 1986 में सदाबहार अभिनेत्री रेखा का एक इंटरव्यू हुआ जिसे बीबीसी ने कैप्चर किया था और इस इंटरव्यू में रेखा ने दिल खोलकर बिग बी के प्रति न सिर्फ अपने प्यार का इजहार किया बल्कि इस इंटरव्यू में बिग बी की याद में सदाबहार अभिनेत्री रेखा भावुक होती हुई भी नजर आई। बता दें आपको, इस वायरल वीडियो में रेखा गाना गाती हुई नजर आ रही हैं और इस गाने के जरिए रेखा का दर्द झलकता हुआ सुनाई पड़ रहा है। रेखा से जब उनकी गायकी को लेकर सवाल किया जाता है तो अपनी खूबसूरत सुरीली आवाज में सदाबहार अभिनेत्री रेखा कह रही हैं, मुझे नहीं पता मैं सुर में गाऊंगी या नहीं, लेकिन रेखा का गाना मुझे तुम नजर से जब वो गाती है तो इंटरव्यू ले रहा शख्स भी मदहोश हो जाता है। बता दे आपको, इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को कोरियोग्राफर मेलविन लुइस ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है जिस पर लोग एक बार फिर से खूब सारे कमेंट्स कर रहे हैं और उनके पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। बता दे आपको, हम यहाँ पर आपसे जिस
वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं, इस इंटरव्यू में रेखा से बिग बी को लेकर सवाल किया गया और रेखा ने अपने दिल का हाल बयां करते हुए महानायक अमिताभ बच्चन के प्रति न सिर्फ प्यार का इजहार किया, बल्कि सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने बताया कि किस तरह से अब उनकी जिंदगी इसी तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो एक दूसरी औरत है बिग बी की जिंदगी में और उन्हें वो जगह कभी नहीं मिल सकती जो जया बच्चन की है। बता दे आपको, एक बार नहीं बल्कि बार बार और लगातार सदाबहार अभिनेत्री रेखा बिग बी के प्रति अपने प्यार का इजहार कर चुकी है, लेकिन आज तक महानायक अमिताभ बच्चन ने कभी भी अपने और रेखा के रिश्ते को नहीं स्वीकारा। जिस तरह रेखा पुराने इंटरव्यूज में बिग बी को याद करती हुई आंसू पोंछती हुई दिखाई पड़ती हैं, वहीं महानायक अमिताभ बच्चन अपने हर इंटरव्यू में साफ तौर पर सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि वो और रेखा सिर्फ कलीग्स थे, उनके बीच सिर्फ काम से जुड़ा रिश्ता था। खैर, समय बीत चुका है, लेकिन इस रिश्ते को क्या नाम दे आज भी कह पाना, समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो देखा आपने किस तरह से जमाना बीत चुका है इस इंटरव्यू को, लेकिन आज भी बड़े बड़े कोरियोग्राफर, बड़े बड़े म्यूजिशियन, बड़े बड़े डायरेक्टर और बड़े बड़े एक्टर्स सबको रेखा का ये इंटरव्यू याद है, क्योंकि इस इंटरव्यू ने रेखा और महानायक अमिताभ बच्चन के रिश्ते को एक अलग ही मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इतना प्यार था जब रेखा और अमिताभ के बीच, तो आखिर राहें जुदा क्यों हो गई? इस अधूरी प्रेम कहानी में कौन सही और कौन गलत, इस पर भी चर्चा करेंगे। वो एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया अधूरी मोहब्बत के इस सिलसिले में, वो एक रात जिसने रेखा अमिताभ को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर दिया, उस रात की कहानी जब बिग बी आउट ऑफ मुंबई थे, वो एक रात की कहानी जब जया बच्चन ने रेखा को साफ तौर पर कह दिया, मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये जानकारी, ये किस्सा आपको सुनाएंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए, देखिए जरा। महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा का फसाना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ उस वक्त जब जया बच्चन ने सामने आकर रेखा के साथ बातचीत की। बिग बी, रेखा और जया बच्चन के लव ट्रायंगल की चर्चा बीते करीब 40 साल से की जा रही है। इन सभी विवादों के बावजूद जया और रेखा के संबंधों में किसी तरह की कोई कड़वाहट जाहिर तौर पर नहीं देखी गई, जबकि रेखा और अमिताभ के बीच के फसाने पर विराम जया बच्चन ने ही लगाया था। बार बार अपने पति का नाम किसी दूसरी औरत के साथ जुड़ता देखकर जया बच्चन भी परेशान हो चुकी थी। जया बच्चन से भी ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा रही थी और इसीलिए बिग बी एक बार शहर से बाहर गए थे। सालों पुराना किस्सा है, महानायक अमिताभ बच्चन शहर से बाहर गए थे। जया ने रेखा को घर बुलाया। जया बच्चन की बात सुनकर रेखा घबराई और उसके बाद पहुंची घर पर। जब डिनर पर पहुंची तो रेखा को लगा था कि जया उन पर चिल्लाएंगी, लेकिन जया ने ऐसा कुछ नहीं किया। बता दे आपको, रेखा जया की इस गुपचुप मुलाकात का जिक्र 1997 की एक मैगजीन में किया गया था, जिसके मुताबिक जया ने सिर्फ रेखा से यही कहा कि मैंने एक अच्छे इंसान से शादी की है और मैं अमिताभ बच्चन को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस फिर क्या था, इस मैगजीन में ये दावा किया गया है कि जया बच्चन की ये बातें सुनकर रेखा को इस बात का एहसास हो गया कि पति पत्नी का रिश्ता उनकी मोहब्बत के रिश्ते से कई गुना ज्यादा मजबूत है, जिसके बाद रेखा ने अपनी राहें अमिताभ बच्चन के रास्ते से अलग कर ली। तो देखा आपने किस तरह से प्यार का ये पंछी वाला जोड़ा भले ही आज एक दूसरे के साथ ना हो, लेकिन जो भी वक्त इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है
वो हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों के साथ लिखे गए हैं और इसे कोई नहीं नकार सकता। दोस्तों फ्लैशबैक बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, जुड़े रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेटेड।